अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज ढोलकी का व्लॉग है, आप सबको पता है। तो सुबह सुबह हो रहा है, एज़ यूजुअल सुबह के 8 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ सैलून। बट सैलून जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ी ढोलकी की तैयारियाँ दिखा दूँ। तो जो ढोलकी की तैयारियाँ हैं वो कर रही है सोमा रिकॉर्ड कर रही है व्लॉग। तो तब तक आप लोग वो देख लें जब तक मैं तैयार होती हूँ। गाइस, अभी मैं नींद से उठी हूँ और मुझे ने कहा जाओ ऊपर व्लॉग बनाओ, खुद तो तैयार हो रही है और ऐसे ही मुझे ख्वार कर रही है। इस व्लॉग तो मैं बना लूँगी बाद में, मुझे मेमुना बेइज्जत करेगी। जब लग जाएगा ना गाइस मैं फिर से ऊपर आके आपको दिखा लूँगी। खैर आपके लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ लूँगी, कुछ नहीं होता। गाइस टेंट तो लग गया है और डेकोर वाले आ गए हैं। ये ईशा आ गई हैं डेकोर करने के लिए। हाय थक गई हूँ। गाइज आई एम ऑल रेडी और मैं अभी शूट लोकेशन पर आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बट अभी हम सैदपुर विलेज में हैं और यहाँ पर अभी शूट स्टार्ट हमारा होना है। शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पता नहीं NOC लेनी पड़ती है, परमिशन और पेमेंट करनी पड़ती है शूट के, आई डोंट नो व्हाट। तो उसकी अभी ये लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना शूट स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आप लोग को दिखा दूँगी मेरा फुल लुक है, मुझे बहुत पसंद आया है। इस पहने इस सेम ऐसे गजरे भी थे बट मैंने वो नहीं पहना क्योंकि वो बड़ा लूज थे मुझे और वो बड़ा हैवी सा हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना बैंगल्स पहन लूँ। और मैंने इस ड्रेस की स्लीव्स इसीलिए छोटे रखवाए ताकि मैं इसके साथ बैंगल्स पहनूँ और मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस ये मेरी लुक है जो कि मुझे ऑलरेडी हैवी लग रही है अभी भी, बट सब मुझे कह रहे हैं कि यू आर ब्राइड तो इसको तुम ऐसे ही लुक रहने दो, थोड़ा सा ब्राइड लुक आनी चाहिए। अब 3 बजे मेरा इवेंट है और उससे पहले मुझे घर भी पहुंचना है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पे इनको परमिशन चाहिए। तो फोटोग्राफर कह रहे हैं कि नीचे ही कर लेते हैं हम शूट स्टार्ट, इधर ही रहूँ। ओके गाइस अभी हमने सैदपुर में करना था शूट बट हम उससे थोड़ा बाहर निकल आ गए, गांव-गांव सी जगह है और यहाँ पे डिफरेंट जगह ढूंढ के हम शूट कर रहे हैं। निदा आ रहा है ना? हाँ निदा के साथ, और निदा बहुत अच्छे से गाइड कर रही है कि कैसे शूट करना है। सैदपुर का एक अपना एक जगह है ना जो हर ब्राइड वहाँ पर शूट करती है, हमने बेसिकली वहीं करना था लेकिन अभी पता नहीं उसको इतना टाइम लग रहा था तो हम इधर आ गए। गंदी सी जगह है लेकिन यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हैं वहाँ पे अच्छे शूट्स आ रहे हैं, वहाँ पे शूट कर रहे हैं। मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी मेरे साथ हैं, वो भी पीछे पीछे आ रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मेरे फोटोग्राफर्स भी आगे जा रहे हैं। मेरे शूट के फोटोग्राफर्स अलग हैं और जो ढोलकी इवेंट है जो मेन कवरेज करेंगे वो साथ करेंगे वो अलग है, क्योंकि एक ही फ़ोटोग्राफ़र जब सब कुछ मैनेज करते हैं तो वो थोड़ा सा मेस क्रिएट हो जाता है। गाइस मेरी फ़ोटोग्राफ़र इतनी जद्दोजहद कर रही है कि वो दरख्त पे चढ़ रही है एक शॉट लेने के लिए, एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए दरख्त पे चढ़। किधर गई? सीरियसली? यस। अब ऊपर से शॉट लोगी? ऐसे मैंने थी फोटोग्राफर्स चाहिए ऐसे। चलिए यहाँ पे बैठे हैं आप। अब इधर बैठूँ मैं? ये फोन पे मूवी सेक्सी फिल्म पकड़ देखना दीदी देखना नहीं ओके कौन से लोगे पकड़ गाइज। भाई मुझे पिक करने आया है, हमारी अपनी गाड़ी नहीं है इसलिए वो अपने दोस्त की गाड़ी में ले आया है और उसने भी मुझे पिक किया है। बट मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अभी मेरा दिल इतना ख़राब हो रहा है, मुझे इतनी उल्टी आ रही है कि ऐसा लग रहा है मैं भी उल्टी कर दूंगी। और आप लोग को पता है गाड़ी में बैठने से मुझे ज़्यादा उल्टी आती है और फिर गाड़ी में मोबाइल यूज़ करने से और ज़्यादा उल्टी आती है।
और इतना मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इवेंट कैसे इंजॉय करूँगी। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं सुबह 8 बजे उठी थी, फिर मेकअप, फिर शूट, बस समझ ही नहीं आ रही यार। अब भी मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ ना करूँ, सारा मेकअप रिमूव कर दूँ, सब कुछ हटा के बस आराम से कहीं बैठ जाऊँ। देखती हूँ कि खा के की तबीयत ठीक हो ना हो। डेकोर देखने, क्योंकि जो मेरा डेकोर है वो ईशा समीन ने किया है। ईशा समीन को आप लोग जानते ही हो, डेकोरिया तो फिर इतनी ख़राब हो गई, बट चलो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, लुक एट इट प्रिटी। अस्सलाम वालेकुम, नाइस। वाओ, बड़ी जल्दी आ गई, बिल्कुल ढोलकी वाली। ओह माय गॉड, रंगी बिल्कुल ढोलकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, तुम तो बिल्कुल मेरे सेटअप की तरह तैयार हो कर आई हो। देखो सुनो सुनो, तुम ही बैठ जाओ दुल्हन बन के, बैठो दुल्हन, बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सेटअप तैयार हो के बस सही। हाँ सही है, बस डन बस डन। अब कॉल आया, आ जाओ आगे। अब वाली उबासी वाली खैर को राजा। अस्सलाम वालेकुम, खस्ता लगम तो देर ज्यादा खस्ता लग गया का। अच्छा हुमा, ये अब तुम नहीं उठा सकती। मैं सिर्फ सीढ़ी उठा सकती, ये बड़ा भारी हो गया। गाइस हुमा काम करवा रही है मेरे साथ, क्योंकि जो मेरे बहन भाई हैं बड़े निकट्टू हैं। लेकिन इस हीटर को हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अहमद द हीटर लग साइड तक अमेंस की प्रोत दे काना, बिल्कुल मैं इसकी सही दे ना काना करता, पर डांस को गाना मुंगा यार। अल तक ही रहे अहमद, ना डांस करोगी इधर रखो यार, वो बहुत ए दल तक अहमद दल ते दल तक ही रहे दल ता। थैंक यू गाइज, मेरे दोस्त ऊपर हैं सारे, मेरी बहनें रेडी नहीं हुई हुई और मेरे सारे दोस्त लेट है, 5 हो गए, 3 बजे का मैंने टाइम दिया था। मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा है, मैं नीचे आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मोटेलियम की एक गोली ले लूँ। चेयर का सुराग उठती बाबा जान, बाबा जान चेयर खूना हुआ टेबल पर पदी पोर्शन के बल गई का ना दे दुए पोर्शन के दियो लग गई आओ तुल ना बर रखो ना गाइस मैं नीचे आई थी, मैंने मोटेलियम की गोली ले ली है और अभी मैं गोलगप्पे का सेटअप करना है ऊपर, मैं नीचे गई हूँ देखने। तो अभी समरीन तुम तो थक गई होगी ऊपर नीचे होकर। गोलगप्पा बना के खाते रहो, इसमें रख दो ये बनाओ, जूस भी बढ़ेगा। क्या बनाओ
बड़े मजे के गोलगप्पे हैं यार, पानी इसका बड़े मजे का है। हाँ। चलो खाओ भाभी गोलगप्पे खाए। गाइस गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो, सोफिया गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे खा ले। पिक्चर ले रही हूँ ना। चलो आप आए गोलगप्पे खा ले, आप ही तो लाई है। तो गाइज अभी हम खाना लगा रहे हैं, अभी खाना लगेगा। और ये देखें ये यहाँ पर बैठ के गॉसिप कर, हर जगह बैठ के गॉसिप करने लग जाते हैं। और ये देखें ये सारे मेरे दोस्त हैं, खूब एंजॉय किया मेरे दोस्तों ने। अब हम खाना लगा रहे हैं, खाने में बड़ा अच्छा मेन्यू। 3 बजे से कब से कह यार, ऐसे तो ना कहो। मैसेजेस कर रहे थे आपके और मेमुना की खत्म हो गई। सुनो मेरे ऑडियंस को सुकून आ जाएगा, आप सुकून आ जाएगा। मायरा आपकी शादी पे नहीं है, तो वही तो मैं सबको कह रही थी कि नहीं आने एजेंट है। ओके गाइस खाना खाते हैं। ओके गाइस खाना लग गया है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाना हमारा लग गया है। भाई ने खाना लगवाया है, हमारे पास रायता है, रायता है, सलाद है और ये रशियन सैलेड है। बाइक आउट हुआ है तो हमने गोरमे के जो है वो मंगवाए हुए हैं कोल्ड ड्रिंक्स। और ये यहाँ पर लगवाया हमने, होम सेटअप करवाया हुआ है। लेकिन खाना जो है वो मेरी मम्मी ने बनाया है, अपने हाथों से सारा खाना मेरी मॉम ने बनाया है, इतनी मेहनत करके इतने सारे लोगों के लिए। तो मेरी मॉम का तो जवाब ही नहीं है। जवाब इसके अंदर है सारा खाना। वाओ ये क्या है, और फोटोग्राफर ताज पे चिल्ला, और ये हलीम, वाओ वाओ जस्ट वाओ मॉम, वाओ वाओ वाओ। और ये कोफ्ते हैं, और ये जो है ये हमने पता नहीं ये क्या है, रस मलाई है, ठीक है। और ये जो है रोटियां हैं, और ये इसमें जो है चिकन रोस्ट किया है मॉम ने। और साथ में हमने यहाँ पे फ्रूट्स भी रखे हैं, और गोलगप्पे का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। फोटोग्राफर तलक फौरन मेरा बट गाइज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त आए। इसके अलावा मेरे पेशावर से मेरे दोस्त आए, मैं 10 साल बाद उनसे मिली हूँ। मेरा दिल इतना खुश है, इतना खुश है। माशाल्लाह आप सबने माशाल्लाह बोलना है, ठीक है। गाइज खाना खुल गया है तो तुम लोग जा सकते हो नीचे, खाना खुल गया है, प्लीज गो। क्यों यार मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, तुम लोग कैसी हरकत है। खाना खुल गया है, चलो सुनो तुम लोग अगर चाहो तो नीचे से डाल के ऊपर भी आ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, ठीक है। नीचे से डाल के ऊपर आ जाओ, मुझे डब्बा दे दो बहन, चलो आओ खाना खाओ। चलो 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 अभी चलो ना नीचे, चलो ना यार, चलो खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना खा लो। मुझे लगता है मेरे दोस्त खाना डाल कर नीचे ही बैठ गए हैं। गाइस सुनो तुम लोग नीचे ही बैठ गए हो, हैं तुम लोग नीचे ही बैठ गए हो, नीचे ही बैठ गए हो। अच्छा खा कर आ जाओ, फिर खा कर आ जाओ, खा कर आ जाओ, ऊपर नहीं आने देरी के, जब तक कोई खाना नहीं खाएगा ऊपर नहीं आएगा। अच्छा नीचे बैठ के खा कर आ जाओ, इतना काम है, मैं तो थक ही गई हूँ काम कर, ये अहमद सोमा तो कुछ कर रही नहीं। बिल्कुल मैं तो कुछ भी नहीं किया सुबह से। भाई बैठ जाए ऊपर ही चले, भाई फोटोग्राफर भाई खड़े हो के खाना खा रहे हो, बहुत डर लगता है भाई। क्यों ये तुम्हारा YouTube चैनल है, मैंने कुछ गलत तो कर दिया, कोई नहीं है पर शैतानी आपकी तो तारीफ ही कर रही हूँ। गाइस साथ भाई ने मेरा भाई ने मेरा शूट किया है जो कि आप लोग को मिलेगा इंस्टाग्राम पर। अभी आप पेट भर के खाना खाए, कैमरे की चलो वो मैं वो वाली फोटोग्राफर बनी हुई हूँ जो खाना खाते हुए खाए। आप भी खाते हैं, अभी रील बनाते हैं। मीना शादी है। ये गाइस ये जो मेरा पोर्शन है ये बंद रहता है तो तुम लोग जज ना करना। That's it, ये थी मेरी ढोलकी और मैं बैठी हुई हूँ हीटर के सामने। बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इतना थैंक यू सो मच आपने मेरी इंगेजमेंट पे, मेरी ढोलकी पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग मेरे साथ रहिएगा, आपको और भी ब्लॉग्स और भी वीडियोस देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, क्योंकि मेरी ढोलकी की सारी अपडेट्स आप लोग को वहाँ मिलेगी। memuna._shah पे जाना है, आपने स्नैपचैट सब्सक्राइब करना है memunashah98, और यूट्यूब तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो गाइस थैंक यू सो मच।